इनको जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से दी जाता है हाईजेक कर लेते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी जी द्वारा मेरी माँ श्रीमती सीता सुरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे घटिया शब्द का उपयोग किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही उम्मीदवार भी एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। जामताड़ा से इस बार बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मौका दिया है। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक इरफान अंसारी को ही एक बार फिर यहां से टिकट दिया गया है। इसी बीच डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बता दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और खुद सीता सोरेन उन पर हमलावर है। वहीं सीता सोरेन ने उनसे माफी मांगने की बात कही तो बेटी विजयश्री भी सोशल मीडिया पर आकर इरफान अंसारी को लेकर के बयान दे रही है। बोरो खिलाड़ी इनको जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जी जाता है उसको हाईजेक कर लेती है तो इसे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का लड़िए, जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जनसमर्थन अब कार्यकर्ता एक दूसरे को रहेगा तो जनता का मास। मैंने लोग कहता है कि जोहार, मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी जी द्वारा मेरी माँ श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे घटिया शब्द का उपयोग किया गया। ऐसे शब्दों का उपयोग करना न केवल मेरे परिवार बल्कि पूरे झारखंड राज्य के महिलाओं और आदिवासियों के लिए अपमान था। डॉक्टर अंसारी का यह बयान उनकी असंवेदनशीलता और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करना सिर्फ एक महिला को नीचा दिखाने का ही नहीं बल्कि उन सभी संघर्षशील महिलाओं पर आघात है जो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या एक पुरुष को यह अधिकार है कि वह एक महिला के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे? मेरी माँ एक अकेली योद्धा है जिन्होंने समाज की मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाया है। उनके संघर्ष और योगदान का ऐसा अपमान सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो समाज में सम्मान की हकदार है। मुझे बेहद दुख है कि एक जनप्रतिनिधि का आचरण इस प्रकार का है जिसने महिलाओं के प्रति असम्मान का परिचय दिया है। आज मैं अपने आदिवासी भाइयों बहनों और झारखंड की जनता से अनुरोध करती हूँ कि वे ऐसे घटिया मानसिकता रखने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध करें। अब समय आ गया है ऐसे जनप्रतिनिधि को रिजेक्ट करने का।